हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? तबीयत मदाज ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेहत तो ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा, आप लोग जो स्पेसिफिकली जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, आपने पिछले दिनों हमसे एक न्यूज़ शेयर की थी कि हमारे ऑनलाइन पेपर दोबारा से होंगे, क्योंकि हमें प्रोविजनली अलाउ किया गया था कि हम सेकेंड सेमेस्टर में बैठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पेपर भी हो गए हैं, किसी के अच्छे हो गए, किसी के बुरे हो गए। खैर, वो तमाम शकूक व शुबहात जो लोगों के सरों पे आ रहे थे, अपना शकूक व शुबहात सर उठा रहे थे, वो सारे किल आउट हो गए जब आप लोगों के ऑनलाइन पेपर हुए, आप लोगों को और आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी हमारे जी ऑनलाइन के एग्जाम्स कैसे हों। जस्ट लाइक जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, वो मास्टर्स के थे या बीएस के थे, उनके लिए अच्छी न्यूज़ आ रही है कि अभी जो अपकमिंग वीक है उसके अंदर डेफिनेटली उनके पेपर हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले पूछ रहे हैं कि वेयर वी फॉल एक्चुअली, हमारा क्या होगा। तो डेफिनेटली बिहाइंड द सीन इस चीज़ पे काम हो रहा है, आपके ऑनलाइन पेपर होंगे, यू हैव टू वेट आई थिंक सो। बहुत लंबा गया 18 दिसंबर के लगभग राउंड अबाउट आपके ऑनलाइन पेपर हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ कल के लेक्चर में मैंने बात की थी, कल की वीडियो पैगाम में, कि वो स्टूडेंट जो 2018 की इनटेक थी 2018 की, वो बीएस के थे या वो स्टूडेंट्स मास्टर्स के थे, वो अपना ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं। और फिर मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू किया, सर हम तो सेवन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारी जो फर्स्ट सेमेस्टर की सैप्ली है वो अभी तक निकले। तो बेटा 2018 या बिफोर दिस 17, 16, 15, 14, 13, 12 वाट एवर द ईयर यू आर एक्चुअली इनरोल्ड, तो उन तमाम लोगों का जो सेवन सेमेस्टर में है या सेवन तक की, क्योंकि नाइन्थ वालों का तो वो ए टू जी तमाम दे सकते हैं, तो सेवन सेमेस्टर तक जितने भी लोग हैं, अगर उनकी पहले सेमेस्टर में कोई सैप्ली है तो वो ये जो अभी 2-4 दिनों के अंदर पेपर होने वाला है उसमें पेपर दे सकते हैं। और वो लोग जिनकी डिग्रियां पास आउट हो गई हैं, जिनका सेशन कंप्लीट हो गया है, तो वो किसी वजह से उनकी सैप्लीज थी या उनके जीपीए वो रिक्वायर्ड 2.5 नहीं आ रही थी, वो इम्प्रूवमेंट केस थे, तो वो तमाम लोग ये जो अपकमिंग 2-4 दिनों के अंदर पेपर होने वाला है उसमें अपेयर हो सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड लक रिगार्डिंग योर रिजल्ट्स, दुआओं में याद रखिएगा जी, अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर।